संस्कृत और पाली का जो साहित्य कह लें उसको आप संगीत में लेकर आई, वो जो थॉट कह लें या वो जो प्रोजेक्ट कह लें, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे आपके? ये एक्सपीरियंसेस बहुत सुंदर है मुझे ये जीवन में ये प्राप्त हुआ है। और कैसे, संस्कृत तो मैं पढ़ रही थी और वेद मेरा स्पेशल पेपर था, तो वेद के जो सस्वर पाठ जिसको चैंटिंग कहते हैं वो जी 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 मैं अपने गुरु से सीख रही थी, अपने संस्कृत के वेद के गुरु से। तो कलकत्ते में मैंने उनसे सीखा था और मैं अभी बहुत लोगों को मैंने सिखाया भी है और आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कुछ है ऐसा। लेकिन बचपन से मैं हमारे यहाँ विद्यालय में मैंने मेरे गुरुजी को और उनकी बहन माधवी मुद्गल जी, इन दोनों को देखा है कि संस्कृत के श्लोकों को लेकर के वो अपने कुछ माधवी दीदी कोरियोग्राफी करती थी और उसके कंपोज करती थी, सुर बनाती थी। भाई जी ने भी किया, भाई जी ने ही किया है इनफैक्ट, उसके बाद इन लोगों ने किया है। तो मेरा उसके प्रति आकर्षण ये बहुत स्वाभाविक था क्योंकि मैं खुद संस्कृत की थी और वैदिक उच्चारण सस्वर मैं करती थी। तो मैं देखती थी लौकिक संस्कृत की जो भाषा है वो और भी सुंदर मधुर और सुंदर सांगीतिक, संगीत के लिए बहुत उपयुक्त भाषा मुझे संस्कृत ऐसे लगता था, क्योंकि उसमें जब स्वरावली का प्रयोग होता था तो वो बड़ा सुंदर तरीके से वो सामने आता। तो जैसे ऐसा नहीं कि मैं उस पे जानबूझ के पहुंची, मतलब वो भी स्वाभाविक रूप से ही हुआ कि मैं, क्योंकि मैं सीख रही थी, गा रही थी, तो कुछ कुछ श्लोक जो मैं पढ़ती थी तो मैं सोचती थी इसको क्यों ना गा के देखूं, तो करके मैं अपने आप उसको स्वरों में पिरोती थी, रागों में। और कुछ अच्छे होते थे, कुछ नहीं होते थे, बट दैट्स द जर्नी यू सी। तो इस तरह से मैं करते 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 कुछ समय पहले, अब तो कई वर्ष हो गए, मैंने संस्कृत में ये भी किया, बंदिश भी बनाई। मेरे एक मित्र हैं, मेरे से बहुत छोटे हैं, वो मेरे मुझे अपने गुरु मानते हैं, मैं वो संस्कृत के विद्वान हूँ। तो उनको मैंने कहा कि मेरे लिए एक बंदिश लिख दो ना, तो कैसा बंदिश चाहिए मैम आपके? तो मैं कुमार जी की कुछ मध्य लय विलंबित मध्य लय की बंदिशों को उसको बोल के सुनाई थी, देखो इस तरह के शब्द है। तो उसने बहुत सुंदर मेरे लिए लिरिक्स लिखी, सकल कलालय रूपम स्वरलय नाद निनादम ऐसे करके। अब वो YouTube में है, मैं तो उसको मैंने पूरी तरह से मैंने छायानट की बंदिश बनाई उसको, विलंबित लगी और करके वो मैं कहीं कहीं गाने लगी, देखने लगी कि कैसा होता है, कैसा सुनने में लग रहा है, क्या उसको मैं आलाप के अंदर, बोल आलाप के अंदर डाल सकती हूँ, क्या क्या उसमें तान बन सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रयोग शुरू हुआ है वहां से। फिर श्लोकों को लेके तो करती ही हूँ, शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के, जयदेव के, गीत गोविंद जैसे, ये सब तो मैं रेगुलर करती हूँ, कुछ कई वर्षों से कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ क्योंकि ये भाषा ऐसी संस्कृत भाषा और राग संगीत के जो स्वर है वो जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वो स्वाभाविक, वो बहुत आसानी से, और जब आप शब्दों, क्योंकि मैं समझती हूँ तो मुझे वो गाने में बहुत मजा आता है। और प्रयोग भी है कि प्रयोग अगर कहीं रास्ता दिखाता है तो ठीक है, नहीं तो अपने लोगों को सुनने में मजा आता है। मैंने विवाह मंत्रों को भी सस्वर स्वर दिया है, कई तीन चार ऐसे विवाह हुए हैं जहाँ विशेष रूप से रागों में विवाह के मंत्र मैंने गाए हैं। क्या बात तो है। इस तरह ये भी एक जरूरी है। इसी इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जो सीसीआरटी के साथ आपका एक
एसोसिएशन है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन का, मैं उसके जरिए ये जानना चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी है जो संगीत के से जुड़ रही है, उनका थॉट प्रोसेस, उनका डिसिप्लिन, उनका समर्पण, उनकी गंभीरता, गुरु और शिष्य परंपरा को लेकर उनकी सोच, ये सब कुछ आपको दिखता है क्या? और अगर दिखता है तो क्या वो सकारात्मक दिखता है या ऐसा लगता है कि नहीं कहीं कुछ डेविएशन है? सीसीआरटी के साथ भी मैं अपनी पिछले 30-32 साल से जुड़ी हुई हूँ। शुरू में आईडी ही ले गए थे, बाद में मुझे ये पता नहीं चला और फिर केवल वो सीसीआरटी तक सीमित नहीं रहा। अब वो बहुत एजेंसीज हैं जहाँ मैं लेक्चर डेमोंस्ट्रेशंस देती हूँ, विदेशों में भी ऐसे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन हो या वर्कशॉप हो, उसमें व्यक्ति उसमें उसका एक रूप देख सकता है। तो वो इट्स द फर्स्ट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस कि उसका रूप देख सकता है, यानी हाँ स्वर क्या है, वो कहाँ से आए। अच्छा तो नाद जो आहत नाद है, अनाहत नाद है, जहाँ से श्रुतियाँ आई, तो वो क्या आहत नाद और अनाहत नाद संगीत के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्या एक जुड़ा हुआ है या दोनों ही हैं। तो ये सारी चीजें मैं जब बात करती हूँ शिक्षकों के साथ जो लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन के सुनने के लिए, तब मैं देखती हूँ कि कई लोग तो उसको ऑन द पेरिफेरी वो बस सुन के खत्म हो जाता है, कई लोग ऐसे हैं जो उसके प्रति उनके प्रश्न और जागते हैं। प्रश्न जगाना ही काम है लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन, स्वर और उसके बाद सप्तक, उसके बाद राग, राग संगीत में जो कॉम्पोजिशनल फॉर्म्स हैं जो हमारे ध्रुपद धमाल टप्पा ठुमरी तरह ख्याल टप्पा ठुमरी तरह, ये सब क्या है, इसमें कौन से ताल है, ताल का क्या महत्व है, ये सब बातें जब हम लोग करते हैं तो जिन जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट बन होता है वो उसके और आगे जाना चाहते हैं, उसमें से जो वो लेकर जा सकते हैं अपने शिष्य अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो मैं ये कहूंगी जैसे कि लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन और वर्कशॉप्स का काम है वो पहला स्तर है उसमें प्रवेश करने। ऐसे मैंने बहुत लोगों के NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन अहमदाबाद में, वो भी संगीत के अप्रिसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, उसके ऊपर वो लेक्चर्स देते हैं, मैं वो लेक्चर्स पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के साथ, बट वही कि वो शुरुआत। अच्छा एक बात मैं आपको पिछले प्रश्नों का जवाब दोबारा देना चाहूंगी। जी 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 जरूर। जब हम संस्कृत के श्लोकों के ऊपर संगीत की बात कर रहे थे तो उस समय पाली में भी मुझे कुछ संस्कृत के साथ साथ पाली में भी मुझे कुछ ऐसे टेक्स्ट्स मिले और वो भी दे आर ऑल इट्स ऑल फॉर्मेटिव्स मुझे लगता है कि टिबेट हाउस के जो रिंपोचे थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम इन टेक्स्ट को प्रज्ञा पारमिता का टेक्स्ट है ये गा सकती हो। पहले उन्होंने संस्कृत में दिया, फिर उन्होंने पाली में दिया। तो अब क्योंकि संस्कृत मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे भाषा समझ में आती थी, पाली भी थोड़ी बहुत समझ, पाली प्राकृत थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, लेकिन उसका उच्चारण अलग है, संस्कृत से उच्चारण उसका अलग है। तो मैं जो वहाँ पे दिल्ली में ही है बौद्ध मंदिर है और वहाँ पे मंक्स हैं, श्रीलंका के मंक्स हैं, तो मैं उनके पास ले गई। मैंने कहा ये कैसे, अब तिब्बत हाउस में तो उनका तिब्बती उच्चारण है, तो ये तो मैं वहाँ गई बौद्ध मंदिर में और वहाँ पे बौद्ध जो मंक्स है उन्होंने मेरा पाली उच्चारण सुधारा, कहाँ अम होना चाहिए, कहाँ अंग होना चाहिए, कहाँ स होना चाहिए, ये सब चीजें बताई। फिर मैंने उनको जैसे ये श्लोकों को संस्कृत श्लोकों को करती हूँ उसी तरह से ऐसे कई जगहों में कई बार मुझे ऐसे गाने के मौके मिले, दलाई लामा जी के सामने मुझे गाने का मौका मिला और अपूर्व एक्सपीरियंस। और फिर दो बार ऐसा हुआ दलाई लामा जी के सामने गाने का, उसके बाद नालंदा में जो वाइस चांसलर थे
उन्होंने कहीं पे यहाँ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव था दिल्ली में, तो उन्होंने मेरा वो सुना तो उनको बस अच्छा लग रहा। उन्होंने कहा कि इस वजह की अगर मैं आपको कुछ टेक्स्ट दूँ तो आप गाइड कीजिए। वहाँ मैं लगभग 8 बार गई नालंदा, तो मैं उनको कहती कि देखिए मेरा असली गाना भी गाने दीजिए। असली गाना यानी अब राग संगीत वहाँ कोई सुने। मैं भजन भी गाती थी वहाँ पे, पहले मैं शुरुआत करती थी बौद्ध टेक्स्ट के साथ, संस्कृत में, पाली में, तो वो सभी रागों पर आधारित होते थे और उससे इस तरह से वो आगे बढ़ता। बहुत बहुत धन्यवाद सुभद्रा जी, आपने समय निकाला और हम लोगों से बातचीत हुई, राग भी सुने हमने आपसे, तो बस धन्यवाद के साथ साथ शुभकामनाएं आपको, और बस ये सहजता जो आपकी है वो बरकरार रहे, और शिष्य तो खैर आप तैयार कर ही रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।